करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इसके पहले हमने इसकी प्रिपरेशन मेथड्स कर लिए हैं, अब केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है प्रॉपर्टीज की, वो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो वो आता है रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। इस बात का क्या मीनिंग हुआ, जैसे ROH ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल में ये वाला OH बॉन्ड है। ठीक है, जब जिन रिएक्शंस के दौरान ये OH बॉन्ड टूटेगा, उन रिएक्शंस को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, अगर ये OH बॉन्ड टूटता है तो H प्लस अलग हो जाएगा। ठीक है, H प्लस अलग होने के बाद यहाँ पे क्या बचा, RO-। RO- क्या है, एक नेगेटिव एंटिटी है, हम इसको न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। तो इन रिएक्शंस के दौरान क्योंकि H प्लस अलग हो जाता है, तो अल्कोहल का जो RO वाला टुकड़ा है वो किसका रोल प्ले कर रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम कर रहा होता है। इसमें फ्लो चार्ट में की अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो NCERT ने दो रिएक्शंस दिए, मैंने दो हेडिंग्स आपको लिखवाई थी, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड एस्टरीफिकेशन। तो पहला एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल पर आते हैं। एसिडिक नेचर इसको क्यों बोला, H का रिमूवल, H प्लस का रिमूवल इज एसिडिक नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। इन दोनों एग्जाम्पल में देखिए, मैंने ROH में Na डाला, Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो ये H को रिप्लेस कर देगा, ये बन जाएगा RONa और H2 एस्केप कर गया। बैलेंसिंग अगर मैंने यहाँ पे की तो मैंने इसको हाफ H2 लिख दिया। इसी तरह से एल्यूमिनियम के साथ अल्कोहल डालेंगे, एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज होता है, यानी एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो क्या मैं यहाँ पे 3 ROH कर दूं? अब क्या होगा, 3/2 H2 आउट हो गया, और एल्यूमिनियम की तीनों वैलेंसी पर RO होल थ्राइस मैंने लिख दिया, यानी कि ट्राई एल्कोक्सी एल्यूमिनियम। ठीक है, और ये क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड, ये क्या बन गया, एक सोडियम एल्काइल ग्रुप है यार, तो एल्कोक्साइड, और यहां पे ट्राई एल्कोक्सी एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इस तरह से एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल इन रिएक्शंस में शो होता है। चलिए एसिडिक नेचर के नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, दैट इज एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन में आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि अल्कोहल और एसिड को कंबाइन करते हैं तो एस्टर एंड वाटर बनता है। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर रिएक्शन लिखा, अभी मैंने जनरल एक्सप्रेशन पहले लिखा है, ROH अल्कोहल और RCOOH ठीक है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने दोनों R को अलग अलग शो करने के लिए यहाँ पर R- लगा दिया है। ठीक है, तो RCOOH और R-COH, यानी एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपने लिया, कौन सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाला जाता है, तो यहाँ पर एस्टर और वाटर बन जाता है। एस्टर में कैसे बना, R-COOR एंड H2O। अब ये कैसे बना इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। तो इस कॉम्पोजिशन को एस्टर कहते हैं और वाटर एक साइड प्रोडक्ट बन गया। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई इस पर आते हैं, ये रिएक्शन आपने 10th में पढ़ी थी उसी को मैं बता रही हूँ। तो मैंने इस अल्कोहल को रेड कलर से लिख दिया है, C2H5OH नाम का इथेनॉल मैंने अल्कोहल ले लिया। ठीक है, और मैंने जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें R-डैश फॉर्मूला जो था वो CH3 मैंने ले लिया, तो CH3COOH ले लिया। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड कैसे टूटा, अल्कोहल का तो आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है जो ROH है। ठीक है, यहाँ से आपको अल्कोहल का बॉन्ड ब्रेक करना है, और एसिड का आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, तो एसिड का ये ब्लैक वाला टुकड़ा ले लो, CH3CO, इसको मैंने यहाँ लिख दिया CH3CO, और अल्कोहल का ये वाला रेड टुकड़ा ले लो OC2H5, यहाँ से फ्लिप करके इसको मैंने लिख दिया OC2H5। तो जब ये दोनों जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ब्लैक वाले और रेड वाले टुकड़े को, दोनों को मैंने जोड़ा तो क्या बन गया, एस्टर बन गया। अब अल्कोहल से रेड कलर का टुकड़ा हाइड्रोजन का बचा, और एसिड से OH वाला टुकड़ा ब्लैक कलर का बचा, इन दोनों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो HOH। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन गया। ये वाला एस्टरीफिकेशन 10th में आपने पढ़ा है, अब 12th में आपके दो एस्टरीफिकेशन और हैं इसके अलावा। तो ये एक एस्टरीफिकेशन है जिसमें मैंने अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड डाला, दूसरा एस्टरीफिकेशन ये मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है। ठीक है, इतना रिएक्शन है, इसमें यहाँ तो अल्कोहल ही लिया,
लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अब मैंने यहाँ पे लिखा है एसिड एंड हाइड्राइड। एसिड एंड हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOCOR। ठीक है, मैंने दोनों R को अलग करने के लिए फिलहाल यहाँ पर R डैश लिख दिया है। और अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करूँ तो सपोज मैंने R डैश को CH3 लिखा तो फॉर्मूला बना CH3COOCOCH3, और अल्कोहल को मैंने रेड कलर से C2H5OH लिख दिया। अब देखो बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगी। अल्कोहल का तो मुझे OH वाला बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ से OH वाला बॉन्ड तोड़ा और इस ब्लैक वाले पार्ट से मुझे CH3CO इस बॉन्ड को मैंने यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से CH3CO वाला टुकड़ा चाहिए। तो ये CH3CO वाला ये टुकड़ा और OC2H5 वाला रेड पीस, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। पहले मैंने ब्लैक वाले को लिखा CH3CO, फिर OC2H5 को मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये मॉलिक्यूल मेरे पास बन गया एस्टर, और एस्टर का बनना कहा जाता है एस्टरीफिकेशन। अब साइड प्रोडक्ट क्या बना, इधर से पढ़ना स्टार्ट करो इसको उल्टा, CH3COO और यहाँ से ले लिया H, तो CH3COOH, ठीक है, रेड वाला H यहाँ से आया है, ब्लैक वाला CH3COO यहाँ से आया है, इस तरह से साइड प्रोडक्ट वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो अल्कोहल और एनहाइड्राइड से भी एस्टर बनता है, ठीक है, दैट इज एस्टरिफिकेशन। तीसरा जो मेथड है उसमें हम लेते हैं अल्कोहल के साथ एसिड क्लोराइड, ठीक है, CH3COCl या RCOCl इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो अगेन मैंने अल्कोहल को तो C2H5OH रेड कलर से ले लिया है, और R-COCl को मैंने CH3COCl ले लिया। अब देखो बॉन्ड कैसे टूटेगा, अल्कोहल का तो OH वाला बॉन्ड तोड़ोगे और यहाँ से CH3CO को Cl से अलग कर दोगे, ठीक है। पहले एस्टर बनाते हैं, तो ये ब्लैक वाला पीस ले लो, ब्लैक वाला टुकड़ा CH3CO, ये आपने लिख दिया CH3CO, ठीक है, और रेड वाला टुकड़ा OC2H5 आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया एस्टर, ठीक है। अब क्या बचा, रेड कलर का एच और ब्लैक कलर का Cl, क्या बन गया HCl एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों रिएक्शन में हमने H2SO4 को यूज किया है जो कैटलिस्ट भी होता है, ठीक है, और सॉल्वेंट का भी अप टू सर्टेन एक्सटेंट काम करता है क्योंकि ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में होती है, तो पानी सॉल्वेंट के अंदर ये भी खुला होता है। यहाँ पर थर्ड रिएक्शन में ये जो पिरीडीन है ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अलावा इसका एक रोल और है, इनका रोल मैं अभी आपको इसके बाद बताती हूँ। फिलहाल आप वर्बल ये सुन लीजिए कि अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं तो अल्कोहल और एसिड के जो रिएक्शन से एस्टर बनता है इसमें नेचुरली रिवर्सिबिलिटी होती है। जब भी कोई रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी पर होती है इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन आगे गई, प्रोडक्ट बना, लेकिन प्रोडक्ट फिर से डिस्ट्रॉय होकर रिएक्शन बैक जारी है, ठीक है। तो इस बैक जाने की वजह से कमर्शियल लेवल पर बात करें तो प्रोडक्ट की यील्ड बहुत कम होती है, और कमर्शियली प्रॉफिटेबल प्रोसेस होना चाहिए, यील्ड ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि इस इक्विलिब्रियम को सारा फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया जाए। और ली चैडलर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर प्रोडक्ट साइड का एक भी कंपोनेंट आप हटा दें, रिमूव कर दें कंटेनर से, तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो H2SO4 है इसको कैटलिस्ट की तरह तो यूज़ करते ही हैं, इसका एक बेनिफिट और होता है, जो ये साइड प्रोडक्ट वाटर बनता है इस वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके इस रिएक्शन से हटा देगा। जब हटा देगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और एस्टर की यील्ड अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सेम कहानी H2SO4 लेने का पर्पस सेकेंड रिएक्शन में भी होता है। एक तो ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, दूसरी बात ये जो एसिड बन रहा है, ठीक है, इस एसिड को भी ये रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। और थर्ड रिएक्शन में जो हमने पिरीडीन ली है, पिरीडीन बेसिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ये बेस है, और जो साइड प्रोडक्ट बना है वो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जैसे ही ये एसिड बनेगा पिरीडीन उस एसिड के साथ कंबाइन करके उसको हटा देगा, और हटा देगा तो इक्विलिब्रियम सारा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इक्विलिब्रियम आप ना भी बनाएं तब भी इस तरह का रिएक्शन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट 12th स्टैंडर्ड में आपको
तीन तरह के एस्टरिफिकेशन पढ़ने हैं, तीनों में बन तो एस्टर ही रहा है, ठीक है। एक कंपोनेंट रिएक्टेंट का अल्कोहल ही है, लेकिन जो दूसरा वाला रिएक्टेंट है वो चेंज है। क्या चेंज है? एसिड लिया, एसिड एनहाइड्राइड लिया और एसिड का क्लोराइड लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन एस्टरिफिकेशन। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन एस्टरिफिकेशन। इसका आंसर क्या होगा? एस्टरिफिकेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड सो दैट यील्ड ऑफ एस्टर इज मोर। इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द साइड प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक, रिमूव द साइड प्रोडक्ट। यहाँ पे फुल स्टॉप है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दस इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। तो सल्फ्यूरिक एसिड उस साइड प्रोडक्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करके प्रोडक्ट यील्ड को बढ़ा देगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ पिरिडीन इन एस्टरिफिकेशन। तो इसमें सेम मैनर में एस्टरिफिकेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड सो दैट यील्ड ऑफ एस्टर इज मोर। इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द साइड प्रोडक्ट। नाउ पिरिडीन का क्या नेचर है? पिरिडीन इज अ बेस, दस इट न्यूट्रलाइजेस द साइड प्रोडक्ट HCl एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये HCl को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से डिस्ट्रॉय कर देगा, कंटेनर से उसे रिमूव कर देगा और इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट कर। तो सेकंड कैटेगरी पर आते हैं, ये है रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। और CO बॉन्ड को अगर हम देखें, CO का क्या मतलब है? जैसे सपोज CH3OH है, तो CH3 का C और OH का O, इन दो के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो इसके दो टुकड़े होंगे, CH3 वाला टुकड़ा अलग और OH वाला अलग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जनरलाइज करें तो OH पे लोन पेयर है, ये माइनस टर्मिनल ही CH3 प्लस। तो क्या हम बोल दें कि अल्कोहल का CH3 वाला टुकड़ा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह से ट्रीट करेगा, ठीक है। ओके, तो ये तो जस्ट सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन की बात है। अब मैं रिएक्शन पार्ट पर आऊँ, तो इस टॉपिक के रिएक्शंस आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े हैं। प्रीवियस चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स वाले टॉपिक में पढ़े हैं फ्रॉम अल्कोहल। तो इसमें ये रिएक्शन होता था कि अल्कोहल के साथ में ये वाले सारे रिएक्शंस थे, ठीक है। तो ये वही रिएक्शन यहाँ पे रिपीटेड हैं और इनमें गौर करिए, इनमें क्योंकि OH का टुकड़ा अलग हो रहा है, यानी क्या मैं बोल दूँ, C और O बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आपको डिटेल करना है ल्यूकास टेस्ट में, अभी इन रिएक्शंस के कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर के एंड में जो कन्फर्मेटिव टेस्ट या डिस्टिंक्शन टेस्ट होते हैं उनमें ल्यूकास टेस्ट को प्रॉपर लिखवाऊंगी, यहाँ खाली रिएक्शन पार्ट पे लिखवा रही हूँ, ठीक है। इनकी इस पार्ट की रिएक्शन को अभी मैं आपको अलग से लिख के दे रही हूँ। दोनों में बैलेंसिंग का वेरिएशन होता है, कुछ साइड प्रोडक्ट्स का वेरिएशन होता है, ठीक है। और ये SOCl2 पिरिडीन ये वाला रिएक्शन है, ये टोटल तीन रिएक्शंस हो गए, यानी ल्यूकास टेस्ट, दिस और दिस, ये तीन रिएक्शन इस चैप्टर में NCERT डील करती है, ठीक है। बाकी सारे रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, तो मैंने अभी यहाँ सारे एक साथ लिख दिए रेफरेंस के लिए। इस चैप्टर में खाली NCERT इन तीन रिएक्शंस को ही ले रही है। यहाँ पे मैंने लिखा है रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl3 में देखिए मैंने ROH डाला, PCl3 डाला। तो यहाँ पे क्योंकि तीन क्लोरीन है तो यहाँ पे तीन ये रख दीजिए, 3 मोल। और आप क्या करेंगे, इस OH को हटा दीजिए, ठीक है, तो R के साथ, और यहाँ से बॉन्ड तोड़ दीजिए, R के साथ तीन, R के साथ तीन Cl हो गए, 3 मोल RCl। और जो बचा वो क्या बचा, देखो एक P बचा और तीन OH। मैं अभी इसको ऐसे लिखती हूँ, P पर OH का होल थ्राइस, और इस मॉलिक्यूल को जब आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, H3PO3, ठीक है। तो यानी यहाँ पे अल्कोहल और PCl3 क्या है, 3:1 के रेशो में है। इसी तरह से इधर देखिए PCl5 के साथ आपने अल्कोहल लिया, PCl5 लिया, अब आप इसको यहाँ से तोड़ेंगे, इन तीन जगह मतलब दो जगह से तीन टुकड़े होंगे, ROH तीनों अलग अलग, ठीक है। 1:1 का PCl5 अल्कोहल का रेशो है, एक R को एक Cl के साथ हटाओ तो RCl गया, इस H को फिर दूसरे Cl के साथ हटाओ HCl गया, अब कितने, पांच में से दो Cl चले गए तो तीन बचे, एक P बचा और एक ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा POCl3। इस तरह से यहाँ पे 1:1 के रेशो में रिएक्शन हो रहा है। बात है
थर्ड कैटेगरी रिएक्शंस ऑफ होल ROH मॉलिक्यूल, उसमें फर्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, रिमूवल ऑफ H2O। और ये भी ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो जब आप H+ के साथ हीट करते हैं, ठीक है, या H2SO4 के साथ हीट करते हैं, तो जिस पोजीशन पे OH अटैच होता है कार्बन पे उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और जिस उसके नेबर कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन, ठीक है। तो क्या होगा, इस H2SO4 के साथ जब आप हीट करेंगे तो यहाँ से OH और इस बीटा पोजीशन से H हट जाएगा, यानी ओवरऑल में क्या हटा, HOH, वाटर हट गया। वाटर हटते ही जो है मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे CH2 है, तो CH2 बन के ये क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। सेम कहानी, ये मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, जिस कार्बन पर OH अटैच है उसके नेबर में दो कार्बन है, तो यानी ये 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल है। इस पर भी आपने एसिड के साथ में इसको हीट कर दिया, हीट करने पर जिस भी कार्बन पर OH अटैच है उसे अल्फा और इसके दोनों नेबर बीटा कहे जाएंगे, क्योंकि दोनों नेबर्स आइडेंटिकल है। किसी भी एक साइड से आप रिएक्शन करवा दीजिए, मैं यहाँ से रिएक्शन करवा रही हूँ, तो यहाँ से OH और इस बीटा नेबर से H हटा, वाटर हटते ही ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया। इन दी सेम मैनर ये देखो 3 डिग्री टर्शरी अल्कोहल है, जिस कार्बन पर OH अटैच्ड है उसके नेबर में 3 ब्रांच कार्बन है, यानी कि ये टर्शरी अल्कोहल है। और अगेन यहाँ पर हमने एसिड लिया, तो से कि अच्छा ये कार्बन है अल्फा, क्या मैं बोल दूँ ये तीनों नेबर्स बीटा है, ठीक है, ये तीनों कार्बन बीटा है, बिकॉज तीनों आइडेंटिकल हैं, मैंने किसी भी एक साइड का बीटा से मैंने यहाँ का ले लिया, तो यहाँ से OH हटाया और इस बीटा नेबर से H हटा दिया, वाटर के रिमूव होते ही ये बन गया एल्कीन। ये तीनों रिएक्शंस मैंने क्यों लिखी, इनमें एक डिफरेंस गौर करिए, जो 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी क्यों है, क्योंकि इसका कार्बन का नेबर एक ही कार्बन है ना, तो ये प्राइमरी है। यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, ठीक है, H2SO4, बाकी दोनों केस में हमने उसे माइल्डर वीकर एसिड लिया है H3PO4, ठीक है। हीटिंग टेम्परेचर जो 443 केल्विन था, अब थोड़ा कम होके 440 रह गया और कम होके 358 हो गया। टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन एसिड की कंसंट्रेशन में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में लिया है इसको, यहाँ पे ये से माइल्डर वीकर एसिड है और उसकी भी कंसंट्रेशन वेरी कर रही है 85% और 20%। क्या मैं बोल दूँ, थर्ड रिएक्शन डाइल्यूट कंडीशन में हो रहा है। एक तो वीक एसिड लिया, वीक मतलब इससे वीक है क्योंकि H+ कम देगा इसलिए वीक है, और वो भी डाइल्यूट, यानी 3 डिग्री अल्कोहल पर बहुत थोड़ा सा एसिड लेने पर भी काम हो रहा है, और 1 डिग्री अल्कोहल पर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जा रहा है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में, यहाँ पे कोई परसेंटेज अमाउंट नहीं लिखा है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया जा रहा है, यानी प्राइमरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी कम हो गई और 3 डिग्री अल्कोहल्स ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए बहुत ही थोड़ी सी कंसनट्रेशन, बहुत ही डाइल्यूट एसिड, और वो भी वीक एसिड से भी ये एल्कीन का फॉर्मेशन होता जा रहा है। तो इन तीनों रिएक्शन में पानी हट रहा है, यानी डिहाइड्रेशन हो रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों अल्कोहल पे डिहाइड्रेशन होता है, अल्फा और बीटा पोजीशन पे डिहाइड्रेशन होता है, तीनों में कॉमनली H+ के साथ हीट करते हैं तब डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन 3 डिग्री पर इसकी जो स्पीड होती है डिहाइड्रेशन की वो ज़्यादा है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल फॉर डिहाइड्रेशन, तो जो हमने इससे कंक्लूजन निकाला वो ये हो गया कि 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन लीस्ट 1 डिग्री अल्कोहल है डिहाइड्रेशन के लिए। अच्छा, फिर इसका मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हर मैकेनिज्म लिखने से पहले एक टारगेट रिएक्शन लिखा जाता है, तो मैंने टारगेट रिएक्शन लिख दी, इथेनॉल लिखा, CH3CH2OH, इसमें H2SO4 या H3PO4 ना लिख के मैंने सीधे H+ लिख दिया और हीट लिख दिया, ठीक है। तो इस डिहाइड्रेशन को हम सिंपली H+ और हीट भी लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन में। और देखो एल्कीन बना दी मैंने, अल्फा पोजीशन से OH हटाया, बीटा से H हटा के पानी हट गया, और पानी के हटते ही ये क्या बन गया, एल्कीन। इस टारगेट रिएक्शन का मैकेनिज्म हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 3 स्टेप में मैकेनिज्म हुआ है, Step 1, Step 2 और Step 3। Step 1 में देखिए, ये अल्कोहल है और ये एसिड है, खाली ये दो ही चीज़ें हैं जो हमने कंटेनर में डाली है, तो इन दोनों को आपस में रिएक्शन करने का मौका मिला। रिएक्शन कैसे हुआ, अल्कोहल पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन रिच है, और ये जो H+ है ये डेफिशिएंट है, तो जो रिच एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो डेफिशिएंट एलिमेंट पर अटैक करेगा और अपने लोन पेयर से उसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया CH3CH2OH, CH3CH2OH, ये तो एज इट इज लिखा, और इस लोन पेयर से H के साथ में बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, और उस लोन पेयर की जगह पर प्लस चार्ज आ गया और एक लोन पेयर अभी भी ऑक्सीजन पे जिंदा बैठा है।
फिर स्टेप टू में ये जो मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में से जैसे ये ओपन एच आएगा तो ये ऑक्सीजन सोचेगा कि अरे मैं तो वाटर जैसा दिख रहा हूँ, देखो ये टुकड़ा वाटर जैसा है HOH, तो मैं क्यों प्लस चार्ज अपने ऊपर कैरी करूँ जब मैं स्टेबल हो सकता हूँ। तो ये इस मॉलिक्यूल से ये वाला टुकड़ा लीव कर जाएगा, जो टुकड़ा मॉलिक्यूल से लीव करता है उसे लीविंग एजेंट भी कहते हैं। तो ये जो है लीव कर गया इन द फॉर्म ऑफ H2O और जो अपना प्लस चार्ज था वो कार्बन पर सेटल कर दिया। जैसे ही कार्बन पर प्लस चार्ज आता है अब कार्बन को हम क्या कहने लगते हैं, कार्बोकेटायन कहने लगते हैं, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों कार्बोकेटायन CH3CH2+। इसको मैंने थर्ड स्टेप में एक्सपैंड करके लिखा, देखो सारे बॉन्ड सारी वैलेंसीज मैंने ओपन करके खोल के लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस कार्बन पर तो प्लस है, इसके नेबर कार्बन से कोई भी एक H ये प्लस लेके निकल जाएगा और इस प्लस लेने की कॉस्ट पर अपना बॉन्ड इस कार्बन के बॉन्ड को देता जाएगा। यानी देखो मैंने यहाँ पे एरो का साइन बनाया है, यानी ये वाला जो बॉन्ड ऐसे था वो बॉन्ड अब यहाँ आ जाएगा। तो जो बॉन्ड ऊपर था वो बॉन्ड देखो यहाँ पर आकर के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया और ये वाला हाइड्रोजन प्लस लेकर के मॉलिक्यूल को लीव कर गया। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये H+ रिमूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन होता हुआ दिख रहा है और ये तीनों स्टेप्स जो होते हैं ये रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि इन स्टेप्स के नेम दीजिए तो पहले वाले स्टेप में गौर करिए ऑक्सीजन मतलब इथेनॉल, इथेनॉल के ऑक्सीजन पर प्रोटॉन यानी H+ जुड़ रहा है। H+ का जुड़ना प्रोटोनेशन, तो क्या मैं इसे कह दूं अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में पानी जब बाहर निकल रहा है तो प्लस चार्ज कार्बन पर आ रहा है यानी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है, तो सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड थर्ड यहाँ से प्रोटॉन हट रहा है, प्रोटॉन का रिमूवल इज कॉल्ड एज डीप्रोटोनेशन। तो इस तरह से इन तीन स्टेप्स में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है।